आज पश्चिम बर्धमान में तृणमूल कांग्रेस को उस वक्त झटका लगा जब तृणमूल कांग्रेस अखिलेती सेल पांडेसर ब्लॉक के सदर हैदर मंडल ने आज कलकत्ता पहुंचकर रजत का परचम थामा। इस मौके पर यह कहा कि मैंने आरजेडी इसलिए ज्वाइन किया कि यहां पे डेमोक्रेसी है और सबको बोलने और करने का हक है। तृणमूल कांग्रेस अपने पुराने नेता को साइड करते जा रही है, इसीलिए देखकर मैंने तृणमूल छोड़कर आज रजत का परचम थामा। आए तफसील रिपोर्ट के लिए आपको कलकत्ता लेके चलता हूँ। लालू प्रसाद जिंदाबाद, यादव जिंदाबाद, राबड़ी देवी जिंदाबाद, तेज प्रताप जिंदाबाद, अजय राय जिंदाबाद, आरजेडी जिंदाबाद, हमार नेता तुम्हार नेता लालू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। सबको दिल से मुबारकबाद देना चाहते हैं, सबको धन्यवाद। पश्चिम बंगाल के आरजेडी के अध्यक्ष अजय राय जी, आज हम उपस्थित हैं कलकत्ता में कार्यालय में। हम लोग के साथ में सीनियर लीडर गुप्ता जी हैं, कुछ हमारा साथ में जो ज्वाइन किए हैं मोहम्मद जहांगीर भाई हैं, लक्ष्मी भाई हैं, रियाज भाई हैं, मनोज पंडित जी हैं, मोहम्मद तोहित भाई है। ये बोलेंगे कि लालू जी का बहुत बहुत आशीर्वाद है, बहुत बहुत राबड़ी जी का आशीर्वाद है, बहुत बहुत तेजस्वी यादव का आशीर्वाद है, बहुत बहुत तेज प्रताप यादव का आशीर्वाद है, मेरा अजय राय का बहुत बहुत इसमें आशीर्वाद है। सबको मैं दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जनता के बीच में रह करके मैं काम करना चाहता हूँ, एक सेवक बन के, एक लेबर बन के एनी टाइम उन लोगों के बीच में खड़ा रहेंगे। जो इससे हमको दायित्व मिला है, दायित्व मिलने के साथ साथ हम निभाने के काम करेंगे, उसी के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। खुशी हो रही है कि बर्धमान जिला के अभी कर्मठ है युवा साथी हमारे पार्टी को ज्वाइन किए, उनका नाम शुभ नाम है हैदर मंडल और हमारी पार्टी को विस्तार करेंगे बर्धमान जिला। काफ़ी आशा है, हमारे सीनियर लीडराम से भी थोड़ा बात की, झारखंड के इसके सीनियर मंत्री उनसे भी इनका काफ़ी परिचय मिला। काफ़ी कर्मठ है, काफ़ी मेहनती है और हम आशा करते हैं पार्टी को जितना आगे विस्तार करेंगे और ऊंचाइयों को ले जाएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष का हाथ मजबूत करेंगे। और वैसे हमारा वेस्ट बंगाल में EMC के साथ अलायंस है और ग्रोथ सपोर्ट ये भी इनको EMC के साथ मिल को बढ़वा मिला है, पूरा EMC को सपोर्ट करेंगे। पंचायत इलेक्शन हो, विधानसभा हो, MP सामने MP इलेक्शन है। और जिस्म को तरोताज़ा और फिट रखने के लिए कराटा एक अहम जरिया बनता जा रहा है। आज प्रदीप कुमार के सरबराही में एक कराटे चैंपियनशिप का ऑर्गेनाइज किया गया जिसमें सेंसुई के बारे में बताई गई। इस मौके पर कामयाब होने वाले स्टूडेंट को सर्टिफिकेट भी दिया गया। आई तफसील रिपोर्ट के लिए आपको उस कराटे चैंपियनशिप में लेकर चलता हूँ।